हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं विनोद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रोलर विनोद में। सो गाइस, फाइनली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन का वेट तो मुझे काफ़ी टाइम से था यार। मैं कब से वेट कर रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म हो और मुझे कुछ चीज़ें मंगानी थी, तो इसीलिए मैं लॉकडाउन की वजह से नहीं मंगा पा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि हमें अमेजन पर लॉकडाउन के कारण डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। तो परसों नरसों जैसे ही डिलीवरी ओपन हुई तो गाइस मैंने तो ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से वेट था, मैं वेट ही कर रहा था। तो गाइस फाइनली मैं बता दूँ, मैंने ऑर्डर किया है आपको, एक ट्राईपोड ऑर्डर किया है और एक माइक्रोफोन बोया का जो आता है वो ऑर्डर किया है मैंने। तो गाइस वो आज आने वाला है, मैं वेट कर रहा हूँ कि डिलीवरी बॉय का कॉल आ जाए और फिर मैं लेने जाऊँ और मैं गाइस आप लोगों के साथ शेयर करूँ सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अपन जैसे ही अपना ट्राईपोड आ जाएगा एंड माइक्रोफोन आ जाएगा तो अपन नज़ारे शूट करेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे, और आपको वॉइस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी तो जो मैं शूट करता हूँ फ़ोन से ही करता हूँ ऐसे ही, तो इसमें वॉइस कैंसिलेशन नहीं होता, तो साइड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता आपको फील हुआ होगा। एंड गाइस अभी भी मैं हाथ से पकड़ के फ़ोन का मतलब शूट कर रहा हूँ तो थोड़ी देर में तो मतलब हाथ दर्द करने लगता है यार, मैं क्या बताऊँ। तो कंटिन्यू 2 या 3 मिनट तो मैं शूट कर ही नहीं पाता, ब्रेक दे दे के मुझे करना पड़ता है। तो गाइस लेट्स सी क्या होता है, कितनी देर वेट करना होता है। तो गाइस जैसे ही फ़ोन आएगा फिर लेने जाऊंगा, और मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था गाइस आज के दिन का। तो फाइनली सो गाइस मिलते हैं, उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा आपको क्या है, कैसा है, कितने का है, सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गाइस। सो गाइस जो मेरे पास अमेजन का मेल आया था उसमें टाइमिंग इन्होंने मेंशन किया था कि 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच कभी भी आ सकता है। तो गाइस 2 घंटे वेट करने के बाद अभी हो रहे हैं दिन के 12, फाइनली अब फ़ोन आया उनका, तो मैं लेने जाता हूँ और फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, इसमें लेके आता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ सारा। सो गाइस ये है वो ट्राईपोड जो और माइक्रोफोन जो मैंने ऑर्डर किया था, मैंने आपको बताया भी था पहले, ये बोया का माइक्रोफोन है एंड ये ट्राईपोड है अपना। ट्राईपोड ये फ़ोन स्टैंड इसके ट्राईपोड के साथ ही आए, बैक कवर जो बैक फ़ोन इसमें लगेगा इसके साथ ही आता है ये, और ये फर है काफ़ी काफ़ी मुलायम होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये बाहर की विंड विंड साउंड होता है उनको कैंसिल करता है, अवॉइड करता है, ये अपने वॉइस के साथ रिकॉर्ड नहीं होने देता ये, तो ये काम आता है। और ये यहाँ पर इसके ऊपर ये ऐसे लगेगा, यहाँ पर लगाएंगे अपन इसको, ग्लू से लगाना पड़ेगा इसे, और ये लीड से इसकी कुछ ये जब आप कैमरा कनेक्ट करते हो उसमें तभी लगेगी, एक एंड तो लगेगा अपना कैमरे में और एक एंड लगेगा अपने माइक्रोफोन में। एंड गाइस इस लीड की बात करें तो देखें इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे स्मार्टफोन ये लिखा हुआ है, तो ये स्मार्टफोन में लगेगा ये वाला एंड, तो और जो ये वाला एंड है अपना इसमें गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप ये लगेगा माइक्रोफोन में लगेगा ये, तो ये कंप्लीट सेटअप था अपना। तो गाइस मैं अब इसको इससे पूरे को सेटअप को तैयार कर लेता हूँ, फ़ोन को ऐड कर देता हूँ इसमें, फिर उसके बाद में मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मतलब विदाउट माइक्रोफोन साउंड कैसा होता है और माइक्रोफोन के साथ साउंड कैसा होता है। तो लेट्स करते हैं ट्राई। सो हेलो गाइस, फाइनली मैंने अपना ट्राईपोड और माइक्रोफोन सेट कर लिया, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये माइक्रोफोन के साथ ही बना रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको वॉइस में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके, और मुझे बताना कि अगर क्लैरिटी में भी थोड़ा भी इफेक्ट पड़ा हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसको जज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा था बट मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क दिख नहीं रहा यार, फील नहीं हो रहा। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा फ़ील होता है। ये तो मैं माइक्रोफोन के साथ कर रहा हूँ, अब मेरा जो अगला जो पार्ट आएगा वो विदाउट माइक्रोफोन आएगा, तो दोनों को सुन के आप मुझे बताना कि मतलब दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं अब अगला जो पार्ट है वो विदाउट माइक्रोफोन का आएगा। सो गाइस फाइनली ये वाला जो पार्ट है जो विदाउट माइक्रोफोन का शूट कर रहा हूँ मैं, इसमें माइक्रोफोन का जो जेक जो मैंने हटा दिया है और विदाउट माइक्रोफोन हो रहा है, तो इसमें जो क्लियरिटी आएगी उसके बारे में बताना आप मुझे, और बताना यार कि साउंड में इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, साइड नॉइज़ यहाँ तो नहीं कोई खास बट क्लियरिटी का भी फील होता है आवाज़ में, मतलब कितनी क्लियर है, पिच कितना हाई है कितना लो, इस हिसाब से कुछ भी आपको डिफरेंस दिखे तो मुझे ज़रूर बताना गाइस। तो गाइस ये था आज का अपना व्लॉग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।
और गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, आपके जितने भी मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखाता रहूँगा। और मैं अब जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन खुल चुका है, तो 10 तारीख के बाद से भी बस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आउट ऑफ कोटा जाऊँगा, तो वहाँ के नज़ारे एंड एकदम अच्छे अच्छे वाले सीन आपको मैं दिखाऊँगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो गाइस आपको करना क्या है यार, 3 चीज़ करनी है, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, बस बने रहिए इसी तरह। और अपना छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के प्यार इसी तरह बनाए रखिए गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।